का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। व्लॉग को शुरू करते हैं। ये आपको मेरे पीछे देखे अंडे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये मेरे एक दोस्त ने ना मुझे मशवरा दिया था कि यार तुम घर में इतने ज़्यादा जानवर रखे हुए हैं, तो इस तरह करो कि ये इंक्यूबेटर मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी एग्स, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 30 एग्स हैं, ठीक है। इनके ऊपर ये देखें, जिनके ऊपर बी लिखा हुआ है, ये जी बत्तख के हैं, ठीक है। ये एफ़ लिखा हुआ है, ये फैंसी है, ठीक है। और ये ए लिखा हुआ है, ये एस्ट्राला जो है ना मुर्गी के अंडे हैं, ठीक है। ये अभी आपको जो ना मैं मशीन की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें सामने मशीन पड़ी हुई है, आपको नज़र आ रही है। ये ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, अभी हमने इसमें रखे नहीं है, अभी सिर्फ इस पर ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल चल रहा है हमारा, ठीक है। ये मशीन मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ, टेम्परेचर चेक करें ऊपर कितना, 37.2। इसके लिए आपको पता होगा टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, इसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए होता है 37.7, ठीक है। तो अभी 3 चल रहा है, ये मैं इसको खोल लेता हूँ। ये जी मशीन को मैंने खोल लिया, ये अंदर से देखें, ये नीचे देखें सर्किट वगैरह लगे हुए हैं, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये छोटा बल्ब आपको नज़र आ रहा है, ये डीसी है, ठीक है। और ये सामने एसी बल्ब है, ठीक है। ये फ़ैन भी, एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है साथ में, ठीक है। इससे ये होता है कि अंदर जो है ना नमी को बरकरार रखने के लिए ये फ़ैन लगाया जाता है, ठीक है। ये ऊपर से मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी टेम्परेचर, अभी हमने मशीन को खोल दिया ना, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है, 30 पे आ गया, ठीक है। ऊपर से ये एक सुराख होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, इसलिए ये देखें सुराख है ऊपर। तो अंदर अंडे इस तरह से रखने हैं मेरा भाई कि ये अंडे पड़े हुए हैं ट्रे में है, ठीक है। ये ट्रे है, ये देखें ट्रे है, इसको ऐसे उठाया, ये ट्रे की जगह बनी हुई है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये हम इसमें ऐसे, ये देखें, ये जिसमें अंडे हमने रख दिए, ठीक है। अंडे रखने के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम हमारा शुरू हो जाता है डेली सुबह और शाम। हमने क्या करना होता है, ये देखें अंडे के ऊपर हमने ये इसीलिए निशानी एक हिसाब की लगाई है कि ये ऊपर लिखा हुआ ना बी, अगर हमने सुबह जो है ना डेली इसकी साइडें चेंज करनी होती हैं। सुबह हम क्या करेंगे, सुबह जब उठेंगे इस तरह से इसको अंडे को फेरेंगे, ये बी वाली साइड जो है ना ये इसको ऐसे नीचे कर देंगे, सबको हम ऐसे करेंगे। ये दूसरा भी है, इसको भी हम ऐसे नीचे कर देंगे। सुबह और शाम को हमने यही रूटीन करनी होती है, अंडों को फेरना होता है। इससे ये होता है कि अंडा अगर फर्टाइल होगा तो बिल्कुल सही इसमें से चूजा निकलेगा, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका अंडा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, और आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, ठीक है। ये जो है ना फैंसी अंडा, ये जो फैंसी अंडा आपको सामने नज़र आ रहा है, ये हमें मिला जी 60 रुपये का, 70 रुपये का कह रहा था, लेकिन 60 रुपये का, क्योंकि हमने ज़्यादा लिए थे, इसने 10 रुपये जो ना हमें छोड़ दिए थे। ये जनाब फैंसी है, ठीक है। और ये बत्तख का अंडा, बत्तख का अंडा हमें मिला जी 50 रुपये का, ठीक है। ये देखो 50 रुपये का, और साथ में एस्ट्राल का मैंने दिखाया था आपको, जिसके ऊपर ए लिखा हुआ था, वो अंडा हमें जनाब मिला 70 रुपये का, वो हमने 3-4 ही रखे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, अभी हमने ट्रे अंदर रख लिया, जब डेली हम इसको जो ना इसकी साइड चेंज करनी होगी, थोड़ी सी इसको ट्रे को ऐसे कर लिया करेंगे, जल्दी जल्दी अंडों की साइडें चेंज करके इसको जो ना वापस ऐसे अंदर धकेल देंगे, ठीक है। अभी एक दफ़ा मशीन को बंद करके चेक करते हैं, ये जी हम बंद कर देते हैं अंदर से, ये देखें इधर शीशा लगाया हुआ है, इधर से भी हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इसका जो ना टेम्परेचर का वेट करते हैं, अभी 21 है, 37 पे जाता है, तो हम दोबारा इसको खोल के चेक करेंगे। ये जी देखें टेम्परेचर हमारा जो ना आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, एक छोटी सी प्याली में जो है ना हमने पानी ले लेना इस तरह से, ये देखें पानी है इसमें, ठीक है। इसको किधर रखना है वो भी हम चेक करते हैं। अभी हम जो है ना इसको दोबारा खोलते हैं, ये जी हमने मशीन को खोल लिया, ठीक है। ये आप देखें नीचे आपको जगह नज़र आ रही है ना, इस जगह पे हमने इस तरह की प्याली में पानी डाल लेना किसी भी, ठीक है। और इस तरह से हमने ऐसे इसमें अंदर रख देना, ख्याल करना कि गिरना नहीं चाहिए पानी, ठीक है। ये देखें इस तरह से हमने इसमें नीचे रख देना,
पानी इसलिए रखा जाता है कि इसमें नमी जो ना, क्योंकि अंडों को नमी भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, नमी भी चाहिए होती है, ठीक है। तो ये देखें, हमने इस तरह से रख दिया पानी। तो जब तकरीबन 3 दिन रह जाएंगे ना, 3 दिन रह जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें बड़ी बोतल है ना, ठीक है। इसको फिर ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, इसको पानी का से फुल करना है। और बिल्कुल हमने इधर अंडों के ऊपर, ये जो ऊपर वाले अंडे हैं ना, इनको, ये जो ऊपर वाले अंडे हैं, इनको हमने उठा के साइड पे कर लेना। और इस जगह पे हमने बोतल जो है ना, पंखा, ये देखें पंखा आपको नज़र आ रहा है, पंखे के साथ हमने बोतल को ऐसे रख देना, ठीक है। क्योंकि फिर बड़ी बोतल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आखिरी दिनों में चूहे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो छोटी ये प्याली होती है ना, इसमें चूजा गिर ना जाए, ठीक है, फिर मरने का खतरा होता है, चूजा पानी में गिरेगा वो मर जाएगा, ठीक है। बड़ी बोतल रखने का मकसद सिर्फ ये है, इसमें तो चूजा इतनी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी इसको बंद कर देते हैं, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ठीक है। ये जी हमने इसको बंद कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैं इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा अगर आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।